गुरुमाय हम तो धन्य हो गए। आप खुद घर पर आ गई बहू को आशीर्वाद देने। अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? पूछो। आपने तो कहा था कि छोटी बहू वारिस देगी इस घर को। लेकिन पेट से तो मेरी बड़ी बहू है। मुझसे ये सवाल पूछकर तुमने मेरा अपमान किया है माया। मेरी वाणी में स्वयं भगवान बोलते हैं, उनके विरुद्ध तुमने प्रश्न उठाया। आज तक मेरे शब्द कभी गलत नहीं हुए और ना ही होंगे। क्षमा कीजिए गुरुमाय, आप तो नाराज हो गए। मैं तो क्या करूं? मुझसे ये प्रश्न करके मेरी शक्तियों पर अविश्वास जताया तुमने। क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, मैं तो बस ये जो बातें समझ में नहीं आती वो किया नहीं करते। इस लड़की के चेहरे पर मुझे वो तेज दिखाई देता है जो मैंने किसी के चेहरे पर नहीं देखा। तुम्हारे वंश वृक्ष के चिराग का तेज मैंने इसके चेहरे पर देखा है। दोबारा मत पूछना, इस घर को वारिस यही लड़की देगी। कहाँ जा रही हैं? मेरे कहने पर सवाल किया तुमने, अविश्वास किया तुमने मेरा, इसलिए अब मैं यहां नहीं रुक सकती। कल को मेरा कहा जब सच साबित होगा तब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा माया। और जब तक तुम्हारी छोटी बहू इस घर को वारिस नहीं देती मैं शपथ लेती हूँ मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए गुरुमाय। माई, माया का इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। माई, घर पर आकर भी बिना सत्कार के आपको जाने दिया तो बहुत अशुभ हो जाएगा। शपथ ली है मैंने और मेरी शपथ पत्थर की लकीर।